हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ देखिए ये सॉक्स की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए कितनी प्यारी जूती बनकर ना तैयार होती है बच्चों के लिए। ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाई है। और देखिए देखने में ये जितनी सुंदर लग रही है ना, बनाने में ये उतनी ही आसान है। बहुत आसानी से आप इसे बना लोगे। बिगनर भी ना एक दिन में दोनों पेयर बना लेंगे इसके, ये इतनी आसान है। और इसमें देखिए ये लूप बनाकर मैंने डाली हुई है ताकि बच्चे के पैर से ये निकले ना, इसीलिए ऐसे। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ से देखिए शुरू करना है। इसके लिए 23 फंदे लगेंगे। 23 फंदे मैंने सिलाई में डाले हुए हैं। 23 फंदे, 23 फंदे डालने के बाद अब दोनों तरफ से हमने उल्टी उल्टी रो बनानी है। तो इसकी फर्स्ट रो देखिए सीधी तरफ से भी उल्टी ही आएगी। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी रो बनाएंगे ऐसे, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। देखिए वूल मैंने 3 प्लाई ली है, लेकिन सिलाई मैंने 10 नंबर की, ठीक है, 10 नंबर की सिलाई से इसे बना रही हूँ। जब भी आप चाहे बड़ों की चाहे बच्चों की 3 प्लाई वूल से देखिए सॉक्स बनाते हैं ना, तो सॉक्स के लिए आप हमेशा 10 नंबर की सिलाई और कार्डिगन के लिए 9 नंबर की सिलाई ऐसे। तो ये रो पूरी हम उल्टी बना लेते हैं। फिर उसके बाद उल्टी तरफ से भी उल्टी सिलाई आएगी, फिर सीधी तरफ से उल्टी, उल्टी तरफ से उल्टी। जैसे देखिए ये हमारी एक धारी बन रही है ना, सीधी तरफ से 6 धारियां होनी चाहिए। तो टोटल ये 12 सिलाइयां हमने ऐसे ही बनानी है। तो ये 12 रो मैं ऐसे बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए इसकी 11 सिलाइयाँ मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। सीधी तरफ से ये हमारी 6 धारियाँ आएंगी, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उल्टी तरफ से हमारी ये 5 धारियाँ आएंगी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर अपना सेकंड कलर मैंने देखिए इसके साथ अटैच कर लिया है। सेकंड कलर अटैच करने के बाद अब फिर से हमने उल्टे उल्टे फंदे ही बनाने हैं, लेकिन 23 में से अब इस बार हमने 14 फंदे अपने उल्टे बना लेने हैं। अब हम शॉर्ट रोज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। 14 फंदे बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर देखिए यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। देखिए ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से ये 14 फंदे ऐसे ही बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बना दिए। अब ये देखिए वर्क को टर्न करेंगे। अब ये वाले ना येलो कलर से, येलो ऑरेंज से मैं ये पूरी रो देखिए ऐसे ही उल्टी बना दूंगी। अब सारी रो 23 के 23 फंदे हमने फिर से उल्टे बनाने हैं, यहाँ उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी। ये 2 रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब उल्टी तरफ से फिर से हमने अपना ये वाइट कलर ही लगाना है और इससे फिर से शॉर्ट रोज करनी है। तो उसके लिए देखिए फिर से 14 फंदे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 फंदे बनाए। फिर यहीं से वर्क को टर्न किया और फिर से अब इन 14 फंदों को ही सीधी तरफ से भी उल्टा बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। देखिए ऐसे ये इस तरह से बन रहा है हमारा। इसे बनाया, बनाने के बाद फिर से वर्क को टर्न किया और यहीं से हमने अपना ये ऑरेंज कलर लगाएंगे इसके साथ और ये पूरे फंदों को।
ये टोटल सारे फंदों को, 23 के 23 फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे, उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी, दोनों तरफ से, सीधी और उल्टी तरफ से। देखिए मैंने एक एक रो उल्टी उल्टी बना ली है। अब हमने सीधी तरफ से फिर उल्टी तरफ से फिर से अपना ये सेकंड वाइट कलर लगाना है और 14 देखिए ये फंदे बनाने हैं। हमने ये कैसे कितनी बार करना है, ये 1 2 बार हो गया, इसे 5 बार करना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे। अब उल्टी तरफ से फिर से हमने ये वाइट कलर लगा लेना है इसके साथ और उल्टे उल्टे फंदे बना लेने हैं 14। तो ये 5 वाइट की धारियां मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। एक ये दिखा देती हूँ, देखिए ये 14 फंदे हमने बनाए। बार बार आपको इसे गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जब 14 फंदे होंगे ना, देखिए हमें बनाते बनाते खुद पता लग जाएगा यहाँ तक 14 फंदे हैं हमारे, देखिए ऐसे यहाँ तक। ठीक है, अब यहीं से हमने वर्क को टर्न किया, फिर से इन 14 फंदों को बना देंगे ऐसे, इन 14 फंदों को ही वापस बना दिया उल्टा। फिर इसके बाद और इन से 23 फंदे देखिए सीधी तरफ से और 23 फंदे उल्टी तरफ से, हमने उल्टे उल्टे 2 रो बना लेनी है, फिर वाइट से बनाएंगे, फिर और इन से ऐसे ही बनाते हुए। हमने वाइट की 5 धारियां चाहिए हमें, ये 3 देखिए कंप्लीट हो गई हैं, 2 मैं और बनाऊंगी ऐसे ही। देखिए ये इतना पोर्शन बना लिया है हमने, देखिए वाइट से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 धारियां होगी वाइट की और 5 ही देखिए ऑरेंज की बनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उल्टी तरफ से हमने फिर से अपना ये वाइट कलर लगाना है और वाइट कलर से ये 14 फंदे फिर से हमने उल्टे बना लेने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। 14 फंदे बनाए। 14 फंदे बनाने के बाद अब यहीं से देखिए फिर से वर्क को टर्न करेंगे, जैसे हमने पहले 5 धारियां बनाई हैं ना वैसे ही, तो ये पूरी रो हम फिर से उल्टी ऐसे ही बना देंगे 14 के 14 फंदों को। ठीक है, अब उल्टी तरफ से देखिए फिर से हमने इस फंदे धागे को साथ लेके चलेंगे। अब 11 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। 11 फंदे उल्टे बनाए, यहीं से वर्क को टर्न किया और फिर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब 11 के बाद हमने देखिए कितने फंदे करने हैं, 8 फंदे, ये 3 3 फंदे हम कम कर रहे हैं। ठीक है, अब 8 फंदों को हमने ऐसे ही उल्टा बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 फंदे बनाए। यहीं से वर्क को देखिए टर्न कर लेंगे और फिर से यही 8 फंदों को उल्टा बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद 5 फंदों को, 5 फंदे हमने फिर से वाइट से उल्टे बना लेने हैं और इस धागे को फिर से एक बार ऊपर कर लेंगे, क्योंकि इसे साथ में लेके चलेंगे ताकि ज़्यादा लंबा धागा ना बने यहाँ पर। ठीक है, ये 2 3 4 और ये 5, 5 के बाद देखिए यहीं से वर्क को टर्न करेंगे और फिर से हम 5 5 फंदों को ही बना लेंगे ऐसे उल्टा। तो ये पोर्शन हमारा देखिए ऐसे बन गया है। पहले हमने देखिए 14 फंदे बनाए यहाँ तक, फिर 14 के बाद हमने बनाए ये 11, फिर 8, फिर 5। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए उल्टी तरफ से अपना सेकंड ये ऑरेंज कलर लगाएंगे और 23 के 23 फंदे हम इससे ऑरेंज से बना देंगे, दोनों तरफ से एक एक रो ऐसे उल्टी उल्टी। ठीक है, अब इतना बना लेते हैं फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए ये वाला पोर्शन बनाया है हमने, अब ये सेंटर वाला पोर्शन बनेगा हमारा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। बहुत आसान है ना सॉक्स बनानी, सच में ये बहुत इजी थी। अब हमने देखिए ये सेंटर वाला पोर्शन बनाना है, तो यहाँ पर ओरिंज से अब हमने शॉर्ट रोज करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने 14 फंदों को पहले ऑरेंज कलर से ना 14 फंदे उल्टे बना लेंगे ये अपने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ठीक है, फिर यहीं से टर्न करेंगे धागे को और वर्क को, तो 14 फंदों को फिर से उल्टा बना देंगे। चौदह फंदों को उल्टा बनाया, सॉरी ऐसे। अब यहीं से देखिए फिर से हमने वर्क को टर्न किया, पहले 14 फंदे बनाए थे, अब 11 फंदों को बनाएंगे। जैसे हमने वाइट से किया है ना, फिर से वैसे ही सेम इससे करना है। अब यहाँ पर मैं 11 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 फंदे बनाए, 11 फंदे बनाने के बाद यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। अब फिर से हमने देखिए तीन तीन फंदे छोड़ते जाना है, इन तीन फंदों को छोड़ दिया, 11 को बना लिया। अब देखिए सीधी तरफ से भी ये 11 फंदे ही उल्टे बना दूंगी ऐसे। ये 11 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर 8 फंदे अपने उल्टे बना लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे बनाए, यहीं से वर्क को टर्न किया। अब इधर से भी 8 फंदे ही हमारे बनेंगे ऐसे। ये बनाए, फिर इसके बाद उल्टी तरफ से पांच फंदे, ये 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदे बनाने के बाद यहीं से वर्क को टर्न करेंगे और 5 फंदे फिर से बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हो गया। अब ये पूरे फंदे 23 के 23 फंदे हमने देखे ऑरेंज कलर से ही अपने पूरे बना लेने हैं उल्टे। ठीक है, दो रो बना लेते हैं, ये सीधी तरफ से उल्टी तरफ से, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए ये दो रो मैंने बना ली हैं, दो रो बनाने के बाद अब हमने ये 5 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदे उल्टे बनाए, 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहीं से धागा दूसरी तरफ, वर्क को टर्न करेंगे और यहीं से 5 फंदे फिर से हमने अपने बना दिए उल्टे। अब जैसे तीन तीन फंदे हम कम करते जा रहे थे, वैसे ही तीन तीन फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाते हुए जाना है, सेम उसी तरह से जैसे ये इधर पोर्शन बनाया है। अब 5 हो गए, 5 के बाद अब बनाएंगे हम 8 फंदे। ठीक है, ये 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। आठ फंदे बनाने के बाद यही से हमने वर्क को टर्न कर लिया। वर्क को टर्न करने के बाद आठ फंदे अपने ये सीधी तरफ से भी उल्टे बना दिए। आठ फंदे बनाए। आठ फंदे बनाने के बाद अब बनेंगे हमारे ये ग्यारह फंदे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस और ये ग्यारह। अब यहीं से फिर से वर्क को टर्न करेंगे और इन ग्यारह फंदों को ही हम उल्टा बना लेंगे। अब बनाएंगे हम चौदह फंदे ऐसे ही उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। चौदह फंदे बनाने के बाद यहीं से वर्क को कर लेंगे टर्न और फिर से चौदह फंदों को ही ऐसे हम बना लेंगे। चौदह फंदे बना लिए। अब हमने ये सारे तेईस के तेईस फंदे उल्टे बना लेने हैं, सीधी और उल्टी तरफ से। ये दो रो पहले कंप्लीट कर लें। देखिए इतना पोर्शन इसका हमने बना लिया। अब वाइट कलर इसके साथ लगाना है और वाइट कलर से भी हमने वैसे ही बनाते हुए जाना है। तो अब वाइट कलर से हमने पांच फंदे अपने ये उल्टे बना लेने हैं। जैसे हमने देखिए पहले फंदों को कम किया है ना, अब इस तरफ से हमने दूसरी तरफ से सेम वैसे ही रो बनानी है, कोई भी फर्क नहीं डालना है। तो हमने देखिए पांच तीन तीन फंदों को बढ़ाते जाएंगे। ये पांच फंदे पहले उल्टे बना लेंगे, तीन हो गए, चार और ये पाँच। अब धागा दूसरी तरफ, यहीं से वर्क को टर्न किया, अब फिर से हमारे ये पांच फंदे हो गए उल्टे। ये एक, दो, तीन। अब पांच फंदे बनाने के बाद अब हमने देखे तीन फंदे फिर से बढ़ा लेने हैं और यहाँ पर अब बनेंगे हमारे आठ फंदे उल्टे। देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। आठ फंदे उल्टे बनाए। अब यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। देखिए आठ फंदे फिर से हमने, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अब यहीं से फिर से वर्क को टर्न किया और ग्यारह फंदे हम बना लेंगे उल्टे। अब ग्यारह ग्यारह फंदे दोनों तरफ से हमने फिर से उल्टे बना लेने हैं। पहले देखिए ये आठ फंदे आपने बनाए। आठ फंदे बनाने के बाद तीन फंदे इसमें और ऐड कर ले। ऐसे आठ बनाए, ये नौ, दस और ये ग्यारह। अब यहीं से फिर से वर्क को टर्न किया, इन ग्यारह फंदों को ही फिर से उल्टा बना लेंगे। अब हमने वाइट कलर से देखिए अपने ये चौदह फंदे बना लेने हैं उल्टे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। तीन फंदे देखिए और ऐड कर दिए इसमें, ये चौदह फंदे हो गए। और चौदह फंदे ही देखिए हमने सीधी तरफ से भी ये अपने उल्टे बना लेने हैं। ऐसे यहीं से धागा टर्न किया और ऐसे उल्टे बना लिए। अब देखिए हमने अपना ऑरेंज कलर लगाना है इसके साथ और पूरे ये तेईस के तेईस फंदे हमने ऐसे ही बना लेने हैं उल्टे, सीधी और उल्टी दोनों तरफ से। अब हमने देखिए सॉक्स का ये वाला पोर्शन बनाना है, ये वाली रो बनानी है। अब जैसे हमने पहले देखिए इधर से
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये पांच धारियां ही हमारी ऑरेंज से, और पांच ही हमारी देखिए ये वाइट से बनेंगी। तो ऑरेंज से तो जब हमने बनानी है तो 23 के 23 फंदे बनाने हैं, जब वाइट से बनानी है तो 14 बनानी है शॉर्ट रोज करते हुए, जैसे हम पहले बना चुके हैं यहाँ पर। तो ये इतना पोर्शन बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए जुराब का इतना पोर्शन मैंने ऐसे बना लिया है, ये देखिए ये पांच, ये 10 टोटल लाइनें और पांच ये वाइट वाली, 1 2 3 4 5, ये टोटल हमारी देखिए पांच पांच ही ऑरेंज से, पांच ही से बनाने के बाद ये टोटल हमने आगे 11 रो अपनी ये वाली बना ली है, ठीक है। 6 धारियां हमारी होंगी वाइट के बाद, इसकी 6 धारियां, 1 2 3 4 5 6, देखिए ऐसे जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर बनाई थी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये वाला पोर्शन बना लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ दो का एक करते हुए ना ऐसे सारे फंदों को बंद करते जाना है, ऐसे दो का एक करते हुए। सारे फंदे देखिए बंद करने के बाद ये हमारा पोर्शन ऐसे बना है। अब इसे ऐसे डबल कर देंगे और सुई में धागा डाल लेंगे, यहाँ पर सुई में धागा डाल लिया है मैंने। अब इसे हमने यहाँ से यहाँ तक और इसे इधर से यहाँ तक ऐसे रो से रो मिलाते हुए हमने इसकी सारी सिलाई कर देनी है। शुरुआत मैं इसकी यहाँ से ही करूँगी, ऐसे इन धागों को साथ में लेते हुए, देखिए इन्हें थोड़ा सा ऐसे लंबा काट ले, फिर साथ में ही ले लें, नीचे से भी बिल्कुल फिनिशिंग से फिर ये आएगी बनकर। अब इसके ऐसे हमने सिलाई कर देनी है, तो इसे सिल लेती हूँ, सिलने के बाद दिखाती हूँ आपको। देखिए सॉक्स बनी हुई हमारी बिल्कुल रेडी है, और इसमें अब हमने एक लूप बनाकर यहाँ पर आपने डाल देने हैं, कोई भी सुई क्रोशिया या किसी भी चीज़ में इससे डालकर इसमें डाल दें, कोई होल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, बड़े आराम से देखिए इसमें ये चला जाएगा क्रोशिया, सेफ्टी पिन या किसी भी चीज़ से आप बना दें। देखिए ऐसे ये हमारी सॉक्स बनकर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल फिनिशिंग से, और बहुत सुंदर देखिए ये बनकर रेडी होती है। ऐसे जैसे मैंने देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने फंदे भी बनाकर लगाए हैं, डोरी डाली हुई है, वैसे ही आप यहाँ पर लगा देना तो बच्चे के पैर से नहीं निकलता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।